तुम्हाला पण आणि सगळ्यांना इकडे माझ्या आणि माझ्या परिवाराकडनं सगळ्यांना नवीन वर्षांची शुभकामना. आय वॉन्टेड टू कम इन दिस शो बिकॉज मला एक तर संगीत आवडतं अँड ऑब्विसली मला आपल्या फिल्मची प्रमोशन पण करायची आहे. मला सांगायचं आहे लोकांना की व्हॉट पॅडमॅन इज ऑल अबाउट. एक असं सब्जेक्ट आहे, एक टॅबू सब्जेक्ट आहे की कोणी बोलतच नाही आणि सॅनिटरी पॅडबद्दल कोणीच बोलत नाही. अँड दॅट आय वॉन्ट टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ द ऑडियन्स. आय वॉन्ट टू टेल पीपल अबाउट इट दॅट इट इज ॲज नॉर्मल ॲज गेटिंग अ कॉफ ऑर अ कोल्ड. जस्ट लाईक दॅट यू गेट युअर पिरियड्स अँड दॅट इज इट. मी तर फक्त तेच बोलायचं त्यांच्याबरोबर आणि सांगायचं आहे. सो आय थॉट हे जे प्लॅटफॉर्म आहे सारेगामाप हे इट्स अ बिग प्लॅटफॉर्म आणि पूर्ण महाराष्ट्र हे बघतात हे प्रोग्राम. आणि मग मी मला वाटलं की मला असं जायलाच पाहिजे. हे फ्लॅश करू नको ना, थांब ना थोडा वेळ, थांब हां सांग. इट इज दिस इज जस्ट अ कॉम्पिटिशन अँड इसमें ये नाही आहे की जो नाही जीतेगा उसको कुछ नाही आहे. आय नो मेनी थिंग्स. मैं बताता हूँ, मैंने इतना स्क्रीन टेस्ट दिया है. जब मैं फिल्मों में आने की कोशिश कर रहा था मेरे को नहीं मिला और जिसको मिला वो नहीं बन पाया, मैं बन गया. सो ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल. दिस इज जस्ट एक पढ़ाव है जहाँ कभी कामयाबी नहीं मिलती लेकिन अगला पढ़ाव बहुत बड़ा होता है. नहीं एक्चुअली रिसेंटली मैं ज़्यादा फिल्में मैंने एक्चुअली हिंदी फिल्म्स भी नहीं देखे हैं रिसेंटली. पिछले एक दो सालों से आई थिंक नीजा के टाइम पे एक मराठी फिल्म आई थी दो साल पहले और मुझे नाम याद नहीं है बट बहुत पॉपुलर हो गया था एंड आई थिंक इट वन द नेशनल अवार्ड विथ मी. इट डिड विन द नेशनल अवार्ड विथ मी. सैराट नहीं मिला था. कौन था एक मराठी फिल्म को मिला था नेशनल अवार्ड अभी? वेंटिलेटर. करेक्ट करेक्ट. हाँ हाँ. तो आई थिंक इट वॉज राजू सर के प्रोडक्शन का था ना? करेक्ट. हाँ. सो आई रिमेंबर दैट फिल्म. वो तो दो साल पहले की पुरानी फिल्म है ना? सो इज इट रियली? मेरे को अनाउंस नहीं हुआ ना ऑफिशियली अब तक. डेट आई है? हाँ डेट आई है. चलो अच्छी बात है. जी मेरे हिसाब से कंपटीशन की ज़रूरत है आजकल फिल्मों के लिए एंड इट्स हाई टाइम दैट द फिल्म रिलीजेस. तो मुझे लगता है कि इट्स अ गुड सिनेमा इज़ गुड सिनेमा विच एवर फिल्म. आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन. हमारी जो फिल्म है बहुत ही सरल स्वीट सिंपल फिल्म है एंड आई थिंक ऑनेस्टली आई एम जस्ट हैप्पी दैट द फिल्म इज़ रिलीजिंग more than anything else and I hope the film does well. I'm pretty sure that it's not officially released because Raindrop is with me here. They have said that meko unhone kaha ki koi official statement nahi aaya hai production house se ya Viacom se. To unhone kaha ki aisi koi baat nahi hai, press ne apne aap likh diya hai. Honestly free of cost kuch nahi hota aajkal but I don't think it should be taxed. It should be tax free but it should be tax free for sure and it should be more cheaper for sure. पर हमारे यहाँ ऐसी कुछ होती है इसको होम ग्रोन, यू नो, जो होम ग्रोन चीज़ें होती हैं जो इंडिया में बनाई चीज़ें होती हैं दे शुडन बी टैक्सड सो हाईली. दे शुडन बी सच अ हाई टैक्स ऑन इट एंड इट शुड बी ऑब्वियसली मोर चीपर फॉर पीपल टू कंज्यूम मोर. मैं गा नहीं सकती हूँ इसलिए मैं एक्टिंग करती हूँ. पर मैं बिल्कुल गायक नहीं हूँ, बिल्कुल गायक नहीं हूँ. पर मुझे बहुत पसंद है, यू नो, अच्छा म्यूज़िक, अच्छी म्यूज़िक, अच्छा गाना सुनना. वीरे दी वेडिंग मई में रिलीज़ होने वाला है और पैडमैन फिर वीरे दी वेडिंग और फिर दत्त. तो इसमें टाइम ही कहाँ है मेरे पास. और फिर मैं यहाँ अभी फेब्रुअरी मार्च में शूटिंग करने, फेब्रुअरी मार्च अप्रैल मेरी 3 महीने की शूटिंग शुरू होने वाली है विनोद अंकल की दूसरी प्रोडक्शन के लिए. ओके, नो मोर क्वेश्चन, जस्ट नो नो मोर क्वेश्चन. थैंक यू. सॉरी. थैंक यू. बहुत ही एक्साइटिंग फिनाले था ये, बहुत ही. और एक बहुत चैलेंजिंग टास्क था हम लोग के लिए क्योंकि 10 घंटा लाइव जाना, मतलब इट वाज अ वेरी बिग टास्क फॉर अस. और उसमें आवाज़ जो रहता है वो संभालना, इधर बहुत एसी रहता है तो एसी का उस पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो सब सॉन्ग्स की प्रैक्टिस, ऑन द स्पॉट जाके गाना, विदाउट रिहर्सल जाके गाना, ऑन द स्पॉट गाना मिलना और वो 10 मिनट में जाके परफॉर्म करना जिसके ऊपर तुम्हें मार्क्स मिलने वाले और जिसके ऊपर तुम्हारा एलिमिनेशन डिपेंड करता है, तो वो सब एक बहुत एक्साइटिंग और ऐसा एकदम फास्ट फिनाले था, एकदम फास्ट, एकदम जा रहा था.
एंड आई एम थ्रू इट नाउ एंड आई एम अ विनर. सो एक बहुत बहुत बढ़िया लग रहा है.